हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल की एक मूवी के बारे में, जो जिसका नाम है कर्स ऑफ द ब्लड रूबीज। और ये वाली मूवी ड्रैगन बॉल की सबसे पहली मूवी थी। इस मूवी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, जो कुछ विलियंस होते हैं आर्मी वाले, वो अटैक करते हैं एक गांव पर, उसमें से वो रूबीज़ निकालते हैं क्योंकि वहां पर रूबीज़ है, और वो उनके ऊपर एक लड़की अपने तीर से निशाना मारती है। तो उनमें से एक आदमी आता है और आकर उस लड़की को मारने वाला होता है। उसके सामने एक मोटा सा आदमी आ जाता है और रोक लेता है और उसे फेंक देता है। तभी एक उसी आदमी का एक बहुत ही तगड़ा सा बंदा आता है और अपने हाथ में एक पत्थर को पकड़ कर भीन देता है। उसमें से रूबीज़ निकलती है और वो उस आदमी के ऊपर फेंकता है। और जैसे ही वो गांव वाला उस रूबीज़ को देख रहा होता है, अचानक से वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके पेट में मुक्का मार मार कर उसे पीट कर वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। और वो छोटी सी बच्ची ये देख रही होती है। और फिर जो आदमी होता है वो एक कार में बैठकर जाता है, उसमें एक गोरी सी लड़की भी बैठी हुई होती है। यार देख, गलत मत समझो, वो गोरी थी, इस वजह से मैंने गोरी बोला, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और फिर वो लड़की और वही आदमी चले जाते हैं एक कास्टल में, एक बहुत ही अजीब से घर के अंदर। और वहाँ पर जाकर वो किसी के सामने खड़े होते हैं और वो कहता है कि कितना टाइम लगेगा ड्रैगन बॉल इकट्ठी होने में और कितना टाइम लगेगा। वो लड़की बताती है कि बस अब तो थोड़ी सी ड्रैगन बॉल रह रही है और हम जल्दी ले आएंगे। और वो कहता है कि मुझे मुझे जल्दी से सारी ड्रैगन बॉल ला कर दो, मुझे मुझे सारी ड्रैगन बॉल ला कर दो, मुझे बहुत ज़रूरत है, जल्दी जाओ वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। और वह ऐसी धमकी देता है उन्हें और वह कहते हैं ठीक है बहुत, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें एक अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है कहीं दूर पहाड़ जंगल में एक बच्चे का, जो कि अपना पोल बांध रहा होता है अपनी कमर पर। और वो एक ड्रैगन बॉल के पास जाता है, वो जाकर कहता है ग्रैंडपा मुझे इजाज़त दे दे। और तभी वो घर से बाहर निकलता है और जंगल में घूमता हुआ इधर उधर टहलता हुआ चला जाता है एक नदी के अंदर, और उस नदी में जाकर जंप मारता है और तैरने लगता है। तभी एक मछली उसके ऊपर थोड़ा सा हमला बोल देती है और वो निकल कर बाहर आ जाता है। और जैसे ही मछली भी बाहर आती है, वो मछली को लात मारता है और एक साइड में गिर देता है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो बाइक पर जा रही होती है, जिसका नाम बुलमा है, और वो देखती है कि ड्रैगन बॉल यहीं पास में है। तभी जो वो गोको होता है वो बाहर निकलता है उस मछली को लेकर और जा रहा होता है। वो देखता है कि उसके सर के ऊपर से कुछ उड़ा हुआ जा रहा होता है। अचानक से इतनी देर में ही पीछे से एक बाइक आती है बुलमा की और वो ठोक देती है गोको को। तभी गोको दूर जाकर गिरता है और गोको उठता है और कहता है मॉन्स्टर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वो अपना पोल उठाता है, यानी वो डंडा, उसके हाथ में जो लाल सा डंडा होता है, और वो स्पीड से भागा हुआ जाता है और जाकर अटैक कर देता है बुलमा की बाइक के ऊपर। और जो बुलमा होती है वो कहती है मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसान हूँ। वो कहता है अच्छा, तो तुम इंसान हो पर तुम इतनी अलग क्यों हो। तो उसे बताती है तुम एक मेल हो और मैं एक फीमेल हूँ। वो कहता है कि हाँ, अरे हाँ हो सकता है क्योंकि मैंने अपने दादा के अलावा किसी और को नहीं देखा। वो कहती है अच्छा। तभी उसके हाथ में से एक ड्रैगन बॉल निकल कर गिर जाती है, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब गिर गई थी। तो गोको जाता है और उस ड्रैगन बॉल को उठा लेता है और कहता है अरे ये तो मेरे ग्रैंडपा है, ये यहाँ क्या कर रहा है। वो कहती है ये तुम्हारे ग्रैंडपा नहीं, ये ड्रैगन बॉल है, इस टाइप के साथ है। वो कहता है अच्छा, लेकिन ये तो मेरे ग्रैंडपा है। तो वो उसे बताती है कि तुम इस पर स्टार देखो। वो कहता है मेरे दादा वाली पर तो 4 स्टार है। वो कहती है अच्छा, तो चलो फिर चलते हैं तुम्हारे घर। और तभी वो भागे हुए जाते हैं और वो कहती है बुलमा से क्या तुम थोड़ी तेज नहीं भाग सकते, वरना कोई आकर अगर तुम्हारी ड्रैगन बॉल ले गया, मतलब तुम्हारे दादाजी को ले गया, तो तुम क्या करोगे। तो जो गोको होता है बहुत ही स्पीड पर भागता है और अपने घर चला जाता है और जाकर देखता है कि वहाँ पर तो कोई ड्रैगन बॉल नहीं है और एक अजीब सा सिक्का रखा हुआ है। गोको कहता है कि ये सिक्का किसका है। तभी उनके आसपास से एक जहाज के उड़ने की आवाज़ आती है, उसके पास एक जहाज उड़कर चला जाता है। तभी वो बाहर आकर देखते हैं कि एक जहाज तो उड़कर चला गया। और जो बुलमा होती है वो कहती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने जेब में से एक बैग निकालती है, उसमें से एक कैप्सूल निकालती है और उसे फेंक कर मार देती है, जिसमें से निकलती है एक जहाज, मतलब एक छोटी सी स्पेसशिप। और जो बुलमा होती है वो जाकर बैठ जाती है और गोको देखकर डर जाता है, कहता है अरे ये कैसा जादू है। वो कहती है कोई जादू नहीं है, ये साइंस है, आकर बैठो। और वो दोनों कर वहां से चले जाते हैं। और जैसे ही वो उस जहाज के पास पहुंचते हैं, बुलमा उसे कहते हैं वो ड्रैगन बॉल हमारी है। और उनमें से जो वो गोरी सी लड़की होती है, वो लड़की पीछे आकर बैठती है और अपना मिसाइल चबाती है और बुलमा के जहाज के ऊपर अटैक कर देती है। और बुलमा हर उसे बच जाते हैं। जो बुलमा है वो कहती है कि अब मेरी बारी है, और फिर वो अपने अटैक करती है उसके ऊपर और उसके अटैक सारे के सारे लग जाते हैं बुलमा के। और जो वो लड़की होती है गोरी सी, जो विलन है, वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हें शायद अपनी असलियत दिखानी पड़ेगी। वो पीछे जाती है और फिर अपने एक मिसाइल निशाना बांधती है और वो मिसाइल मार देती है बुलमा की जहाज पर, जिससे कि बुलमा का जहाज पटक जाता है और वो दोनों जमीन पर कूद जाते हैं। और जिससे वो जब वो कूद रहे होते हैं तो गोको तो पानी के अंदर गिर जाता है और वो कहती है बुलमा बचाओ मुझे। तो गोको होता है कूदता हुआ अपना पोल मार देता है पहाड़ में और बुलमा उस पोल के ऊपर गिर जाती है। और फिर वो वहां से निकल जाते हैं और वो कार में बैठे हुए जा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि कैसे है हम तुम्हारी ड्रैगन बॉल।
तभी एक अगला सीन दिखाया जाता है, जो वो बच्ची जो कि निशाना मारती है उस आर्मी वाले बंदे को, तो वो जंगल में जा रही होती है और एक राक्षस उसके ऊपर हमला बोल देता है और वो बचाव कर रही होती है अपना। तभी वो कार होती है गोकोहर की, उनके पास से गुजरती है। बुलमा ये देखकर कार रोक लेती है और डरने लगती है। वो देखती है कि गोकू कहाँ गया। वो देखती है कि जो गोकू है वो तो उस लड़की के आगे खड़ा हुआ है और उस राक्षस को वो चैलेंज कर रहा है कि इस लड़की को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जो वो राक्षस होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊँगा, और फिर गोकू उससे नहीं डरता तो वो राक्षस दूसरा रूप ले लेता है और अपने हाथ में एक सूप ले लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें इसमें डालकर खा जाऊंगा। गोकू कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि गोकू उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। और फिर जो वो राक्षस होता है उसकी उंगली लग जाती है उस सूप के अंदर, उस सूप के गर्म होने के कारण उसकी उंगली फूक जाती है। तभी वो जो राक्षस होता है वो कहता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, तुम मुझसे डर नहीं रहे, देखो मैं इस पेड़ को एक मुक्के में तोड़ दूंगा। वो एक पेड़ पर जाकर हाथ रखता है और गोकू उस पेड़ को मुक्का मारता है जिससे कि वो पेड़ टूट जाता है। और ये देखकर वो जो राक्षस होता है वो अपना फिर से रूप बदलता है, चमगादड़ बनकर वो वहाँ से उड़ जाता है और गोकू उसका पीछा करता हुआ उसके पीछे भाग जाता है। बुलमा आवाज़ मारती है गोकू उसके पीछे मत जा, और वो दोनों भागते भागते पहुंच जाते हैं एक अजीब सी जगह और गोकू उसके ऊपर अपने पोल से हमला कर देता है जिससे कि वो अपने असली रूप में आ जाता है। हमें पता चलता है कि वो तो एक पिग है और उसका नाम उलोंग है। और जो उलोंग है वो कहता है कि अरे नहीं ये तो हम उसके एरिया में आ गए। गोकू कहता है किसके एरिया में, कहते हैं ये मास्टर यामचा का एरिया है। और तभी वहाँ पर उनको पैरों में गोली लगने लगती है और वे कूदने लगते हैं और वहाँ पर आता है यामचा और यामचा का पोर, और वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो पोर होता है वो उलोंग को पहचान लेता है और वो कहता है कि अरे तुम तो उलोंग हो, हम दोनों सेम स्कूल में थे जहाँ हमने मैजिक सीखा था। और जो यामचा होता है वो कहता है कि हे तुम जो भी हो मेरे एरिया में क्या कर रहे हो, तो अब तुम्हें मरना होगा। और तभी जो यामचा होता है अपनी तलवार निकालता है और गोकू के ऊपर टूट पड़ता है और गोकू अपने पोल से लड़ रहा होता है और गोकू अपने पोल से सारे अटैक रोक रहा होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बराबर टक्कर पर चल रहे होते हैं। अचानक से जो गोकू होता है अपने पोल को कहता है पोल एक्सटेंड, और जो उसका पोल है वो बड़ा होता है और वो जाकर लगता है यामचा के पेट में और यामचा दूर गिरता है। और फिर गोकू को भूख लगने लगती है और गोकू कहता है कि मुझे भूख लग रही है। यामचा उठकर आता है और गोकू के पेट में चूहे कूद रहे होते हैं और वो गोकू के ऊपर अटैक कर देता है जिससे गोकू दूर जाकर गिरता है और गोकू के ऊपर पत्थर गिर जाते हैं। फिर गोकू उन पत्थर को हटाता है और बाहर निकल कर आता है और कहता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, और उसके ऊपर अटैक कर देता और उसकी आंखों में उंगलियां मार देता है जिससे कि यामचा दूर जाकर गिरता है। और तभी यामचा खड़ा होता है तो उसके पीछे से एक कार आ जाती है, वो कार होती है बुलमा की। और ये देखकर जो यामचा होता है वो बेचारा लड़की को पहली बार देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो चक्कर खाकर गिर जाता है और गिरने की वजह से उसका दांत टूट जाता है। फिर पोर उसके पास आता है और कहता है कि अरे यामचा तुम्हारा एक दांत टूट गया। जो यामचा होता है वो कहता है क्या, तो पोर बदल जाता है एक शीशे में और वो उसे उसका दांत दिखाता है। ये देखकर जो यामचा होता है वहाँ से भाग जाता है और जो उलोंग होता है वो आ जाता है बुलमाहर के साथ। और बुलमा वो लड़की उलोंग और गोकू बैठे हुए बात कर रहे होते हैं और वो लड़की से पूछती है बुलमा कि तुम लड़की जंगल में क्या कर रही थी, तो वो लड़की बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे देश में रूबीज है और कुछ बंदे कुछ गुंडे लोग उन्हें पाना चाहते हैं और हमारे विलेज को तबाह कर रहे हैं और हमारे विलेज का नाश मार दिया है, और मैं मास्टर रोशी को ढूंढ रही थी। मास्टर रोशी, तो उलोंग बताता है कि मास्टर रोशी तो एक बहुत बड़े योद्धा है, मतलब कि एक बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट है, वो बहुत ही खतरनाक है और आजकल तो उन्होंने लोगों को सिखाना भी छोड़ दिया है और बहुत ही बड़े बुजुर्ग हो रहे हैं, तुम उसे क्यों ढूंढना चाहती थी। तो वो लड़की बताती है कि मैं उनसे मदद मांगूंगी जिससे कि वो उन आर्मी के लोगों को रोके और मेरे विलेज को बचाए और मेरे माँ बाप सब सेफ रहे, मेरे घर वाले सेफ रहे और मुझे अच्छा लगेगा। और हमें दिखाया जाता है जो यामचा होता है वो उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और वो सुनता है रूबीज के बारे में और वो कहता है कि वे पोर चलो अब हम उनसे पहले ढूंढेंगे मास्टर रोशी को और मास्टर रोशी की मदद से हम सारे रूबीज चुरा लेंगे और हम अमीर बन जाएंगे। और वो ये सोच रहा होता है और फिर वो कहता है कि अरे नहीं इससे बेहतर होगा क्यों ना मैं मास्टर रोशी को ढूंढूं और ड्रैगन बॉल को ढूंढूं और विश मांगूं अपने लिए एक गर्लफ्रेंड। फिर तभी हमें वो मेन विलन दिखाया जाता है जिसके मुँह में होती है 5 ड्रैगन बॉल और वो 5 ड्रैगन बॉल उसके मुँह में होती है और वो कहता है कि तुम जल्दी मुझे ड्रैगन बॉल ला कर दो। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो गोकोहर होते हैं वो एक नाव पर बैठ कर पहुँच जाते हैं कामी प्लेस पर और कामी प्लेस पर उन्हें दिखाया जाता है एक बूढ़ा बुजुर्ग जिसका नाम होता है मास्टर रोशी। वो कहता है कि हे बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जो भी हो यहाँ से भागो। वो गोकू को भगा रहा होता है। तभी जो वो होती है लड़की वो कहती है कि प्लीज़ मास्टर रोशी हमारी मदद करिए। तभी मास्टर रोशी को शक हो जाता है कि पीछे कोई है घर के पीछे और वो कहता है कि हे तुम जो भी हो बाहर आ जाओ। तभी जो यामचा होता है वो घर के पीछे से बाहर आता है और आकर कहता है कि अरे तुम्हें पता चल गया फटाफट तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरी मदद करने वाले हो। और तभी बुलमा कहती है हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बुलमा उसके पास जाती है, वो शर्म से फिर लाल पीला हो जाता है और वहाँ से निकल लेता है और भाग जाता है। तभी जो मास्टर रोशी होते हैं वो कहता है कि अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए एक इंतजाम करता हूँ। वो कहता है फ्लाइंग मेंबर। तो तभी एक बादल उड़ा हुआ आता है और वो कहता है कि एक जादुई बादल है, इस पर बैठकर तुम उड़ सकते हो अगर तुम्हारा दिल साफ हो। तो तभी मास्टर रोशी उस बादल पर बैठ
जाता है और वो उसमें से पार हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है क्योंकि मास्टर रोशी का दिल साफ नहीं है। फिर गोको कहता है कि ना मैं ट्राई करूँ और गोको उसके ऊपर कूदता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो बुलमा होती है, बुलमा कहती है अरे आपके गले में तो ड्रैगन बॉल है, प्लीज़ ये मुझे दे दीजिए। वो कहता है कि ऐसे नहीं मिलेगी, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। फिर वो असली हरकतें करने के लिए बोलता है। जो बुलमा होती है वो उल्लूम को लेकर घर के पीछे चले जाती है और जाकर कहते हैं कि तुम मेरा रूप ले लो और असली हरकतें वो तुम्हारे साथ कर लेगा जिसकी वजह से मुझे ड्रैगन बॉल मिल जाएगी। और फिर जो मास्टर रोशी होते हैं वो असली हरकतें उल्लूम के साथ करने के लिए जाते हैं, उससे पहले उल्लूम यूथ के साथ अपने शरीर के साथ मतलब कि बुलमा के शरीर के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। तभी इतने में वहाँ पर जो वो आर्मी वाले बंदे होते हैं वो बेकार आर्मी वाले बंदे वो अटैक कर देते हैं कामी प्लेस पर और एक दो कैमरे से निकल कर आते हैं। एक तो बुलमा के हाथ में से ड्रैगन बॉल छीन कर चला जाता है, जैसे ही दूसरा छीनने वाला होता है उलोंग सामने आ जाता है और फिर उनके हमलों की वजह से जो कामी प्लेस है कामी का हाउस वो टूट जाता है, सॉरी जो मास्टर रोशी है मास्टर रोशी का हाउस टूट जाता है और मास्टर रोशी को गुस्सा आ जाता है और मास्टर रोशी अपने हाथ में कामी हामी हाँ बनाते हैं और उनका शरीर तकड़ा हो जाता है और वो कामी हामी हाँ मार देते हैं उस स्पेस उस सबमरीन को जिसमें से वो मिसाइल मार रहे थे और वो पूरी की पूरी सबमरीन को उड़ा देते हैं और जिससे कि वो सब ये देखकर शौक हो जाते हैं। और गोको कहता है मास्टर रोशी मुझे भी ये पावर सिखाइए ना, मुझे भी ये सीखनी है। तो मास्टर रोशी उसे बताते हैं कि मुझे ये सीखने में 15 साल लगे थे, कोई भी इंसान इसे 15 साल से पहले नहीं सीख सकता। जो गोको होता है वो साइड में जाता है, एक पत्थर को देखकर कहता है कामेहामेहा और वो एक पतली सी मतलब एक छोटी सी कामेहामेहा मार देता है जिससे कि वो पत्थर टूट जाता है और मास्टर रोशी ये देखकर शौक हो जाता है। फिर वो सारे के सारे एक जहाज में बैठकर उड़े जा रहे होते हैं। वो छोटी सी बच्ची सोचती है कि मास्टर रोशी ने उसे कहा है कि हे तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास तो ये गोको नाम का बच्चा है, ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, जिस पावर को सीखने के लिए मुझे 15 साल लगे थे उसे ये 1 मिनट के अंदर ही सीख गया, मतलब ये देखने के बाद ही सीख गया, अब तुम इसकी मदद ले लो, यही तुम्हें बचाएगा, तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमें दिखाए जाते हैं वही आर्मी वाले बंदे, वो मोटा सा आदमी और वो गोरी सी लड़की और वो कहते हैं कि हम एक ड्रैगन बॉल तो ले आए हैं, बस एक ड्रैगन बॉल रह रही है, अब की बार वो भी ले आएंगे। वो उनका मास्टर होता है, वो कहता है कि मुझे जल्दी से चाहिए, मुझे फटाफट दो। फिर जो गोको होता है वो अपना फ्लाइंग मेंबर पर उड़ा हुआ आ रहा होता है और वो सब जहाज में उड़े हुए आ रहे होते हैं। तभी जो वो आर्मी वाले बंदे होते हैं वो सब बहुत सारे हेलीकॉप्टर और आर्मी लेकर चले जाते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। और जो उनका मोटा सा तगड़ा सा बंदा होता वो एक जैसा गोको के पास बादल है इस तरह की एक प्लेट सी के ऊपर खड़ा होकर जाता है लड़ने के लिए, वो भी एक प्रकार की मशीन होती है और वो आपस में लड़ने लगते हैं। गोको के साथ वही बड़े वाला लड़ता है और बुलमा के ऊपर इतने सारे जहाज वाले अटैक कर देते हैं और गोको और उसकी बढ़िया फाइट चल रही होती है और वो गोको को एक दो मार देता है। जब गोको को गुस्सा आता है तो अपने पोल से उसकी जो वो प्लेट होती है जिस पर वो खड़ा होकर उड़ रहा होता है उसे ही तोड़ देता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और वो नीचे गिरता गिरता अपनी हाथ में एक संगल को गोको के गले में गिर देता है जिससे गोको और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और फिर जो वो होते हैं दूसरे बंदे वो बुलमा का जहाज भी तबाह कर देते हैं, बुलमार पानी में गिरते हैं और वहाँ से निकलकर चले जाते हैं उस घर के अंदर। और उसी घर में पहुँच जाता है यामचा और यामचा को रूबीज मिलती है और वो सारी रूबीज उठा लेता है और वहाँ से निकल लेता है। तभी एक लड़की आती है और वो आकर अटैक कर देती है यामचा के ऊपर और यामचा उसके साथ लड़ रहा होता है और यामचा जैसे ही उसकी ब्रेस्ट पर मारता है उसे पता चलता है कि ये तो एक लड़की है और वो शर्मा जाता है और फिर वो लड़की यामचा को उठाकर फेंक देती है। तभी उसके पास पहुंच जाती है बुलमा, बुलमा कहती है क्या तुम ठीक हो और ये सुनकर फिर वो शर्मा जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी वो गोको और वो उसकी लड़ाई बद रही होती है और गोको उसके ऊपर बहुत शानदार अटैक करता है जिससे वो बंदा बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। और फिर जो बुलमा और यामचा होते हैं वो एक गेट खोल रहे होते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि जो गोको है वो अटैक इतनी तेज करता है कि वो दूसरा बंदा भी वहीं पर आकर गिरता है और गोको भी उनके सामने आ जाता है। और फिर जो उनका मेन मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और अपना असली रूप में आ जाता है जो मेन विलन होता है और वो पैर रख देता है उस बड़े वाले आर्मी वाले बंदे के ऊपर जिससे वो पत्ता सा बन जाता है। और फिर वो एक मुक्का मारता है गोको को, गोको भी ज़मीन में धस जाता है और गोको फिर से खड़ा होता है। और फिर वो दूसरा मुक्का मारता है, गोको एक हाथ से उसे रोक लेता है और पीछे धक्का देता है जिससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता और उसका पेट चमकने लगता है। बुलमा सोचती है कि इसके पेट में तो ड्रैगन बॉल है और तभी जो बुलमा एक ड्रैगन बॉल और उसके मुंह में फेंक देती है जिससे कि जो ड्रैगन होता है ड्रैगन शेनरॉन वो बाहर आ जाता है। और उसके अंदर बाहर आते ही चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा जाता है और वो सोचने लगते हैं कि ये क्या है, ये तो बहुत बड़ा है। और जो वो लड़की होती है छोटी सी लाल बाल वाली वो लड़की बोलती है कि अच्छा मुझे विश मांगनी होगी, मैं क्या विश मांगूँ जिसे शांति आ जाए। तो यामचा कहता है मेरी विश पूरी करो, बुलमा कहते हैं मेरी विश पूरी करो। तभी पीछे से आवाज़ आती है, हे शेनरॉन प्लीज़ मेरी विश पूरी करो, मेरे गाँव में शांति ले आओ और जितनी भी रूबीज है उन्हें यहाँ से निकाल दो। और जितनी भी ज़मीन में रूबीज होती है वो सारी हवा में आ जाती है और बाहर आकर गिर जाती है। जब उसकी ज़मीन में रूबीज नहीं रहेगी
करेगी तो कोई उनके यहाँ अटैक नहीं करेगा, जिससे उनका विलेज सेफ हो जाएगा। और तभी वो ड्रैगन है वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी जो वो मास्टर सा होता है सबसे बड़ा विलन, वो एक छोटा सा बच्चा बन जाता है और वो भागा वो चलता हुआ आता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है। और वो लाल बाल वाली लड़की उसे एप्पल देती है और वो खाता है, कहता है ये कितना स्वादिष्ट है। वो लड़की कहती है कि ठीक है इसे फिर तुम रख लो। और फिर जो गोको होता है वो देख लेता है कि ड्रैगन बॉल कहाँ कहाँ उड़ कर गई है और वो ड्रैगन बॉल ढूंढने चला जाता है और ये वाली मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। और जो गोको होता है वो सिक्का जो कि वो गोरी सी लड़की उसके घर रख कर गई थी, जिसके बदले वो ड्रैगन बॉल लेकर गई थी, उसे वो सिक्का वापस कर देता है और कह कर चला जाता है कि मैं जा रहा हूँ ड्रैगन बॉल ढूंढ ले। और वो ड्रैगन बॉल ढूंढने अपने फ्लाइंग मेंबर को लेकर चला जाता है। और बुलमा को उसका बॉयफ्रेंड और यामजा को उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे के रूप में मिल जाती है और ये वाली मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले संडे एक अलग मूवी में। तो बाय बाय।